हाय गाइस, क्वेश्चन इज दिस इज द गिवन एपी और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इस एपी की मिडिल टर्म फाइंड करनी है। मिडिल टर्म, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मिडिल टर्म का, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन मींस दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, तो वी कैन से दैट लेट ए एन इज इक्वल टू 247। नाउ वैल्यू ऑफ ए एन, फॉर्मूला ऑफ ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए एन कैन बी रिटन एज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एंड इट विल बी इक्वल टू 247। इट विल बी इक्वल टू 247। तो ए होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 7 प्लस एन माइनस वन, ये हो गया एन माइनस वन इन प्लेस ऑफ डी 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 247 इक्वल टू क्या हो जाएगा 247। तो कैन आई से दैट 6 विद इन ब्रैकेट एन माइनस वन इक्वल टू 247 प्लस 7 व्हेन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा माइनस 7। तो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 247 माइनस 7 कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 64 द 24 और 0। तो माइनस 1 व्हेन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 41, n आ गया 41। अब देखो n आपका 41 आ रहा है, अगर n 41 आ रहा है, अब इसमें दो केसेस होते हैं। अगर n की वैल्यू ऑड आती है, अगर n की वैल्यू ऑड आती है जैसे कि यहां आ रही है, तो जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म का मतलब से एम, तो ये किसके इक्वल होती है एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म, एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म। बट अगर एन की वैल्यू इवन आती है, अगर एन की वैल्यू इवन आती है इन दैट केस जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी एन बाय टू एथ टर्म, तब दो मिडिल टर्म होगी एंड एन बाय टू प्लस वन एथ टर्म एंड एन बाय टू प्लस वन एथ टर्म। इन दैट केस जो आपकी मिडिल टर्म होगी अगर n की वैल्यू इवन आती है तो दो होगी, लेकिन हमारे केस में n की वैल्यू 41 आ रही है, 41 का मतलब ऑड आ रही है, ऑड आने का मतलब जो मिडिल टर्म है, देयरफॉर मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 एथ टर्म। वैल्यू ऑफ n इज 41 प्लस वन बाय टू एथ टर्म, 41 प्लस 1 42, 42 बाय 2 दैट इज 42 बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 जा 4 2 1 जा 2 21st टर्म जो होगी वो इस एपी की क्या होगी मिडिल टर्म होगी, वो इस एपी की क्या होगी मिडिल टर्म होगी। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 21। नाउ 21st टर्म which will be equal to A21 का मतलब क्या हो गया A plus 20D। Why? Because AN equal to क्या होता है N minus 1, N की जगह 21, 21 minus 1 क्या हो जाएगा 20। Value of A is 7 and value of D is 6, तो क्या आ जाएगा 7 plus 120, तो right answer is 127। This is the final answer of this question।